रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई जादू की परेशानी है, घर में जादू है, जिन्नात का कोई असर है, या आपको लगते हैं कि कोई घर में अजीब व गरीब और जिसम में दर्द, बीमारी, किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई भी मसला हो, अपनी इस बहन को याद करें। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी और इंशाल्लाह आपका इस्तखारा और जो भी आपके इस्तखारे में आएगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप एक दफ़ा इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी मुश्किल परेशानी होगी अल्लाह पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इंशाल्लाह हल होगी। और आज की सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो फूल जैसी पाकीज़ा चीज़ों को खाती है, शहद जैसी पाकीज़ा चीज़ों को निकालती है, और जब वो किसी चीज़ पर बैठती है तो वो उससे ना तोड़ती है ना ख़राब करती है। सुभानअल्लाह, अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। तो जो भी इसमें आप मतलब के चाहते हैं कि आप सदका जारिया करें या अल्लाह की राह में अहादीसों को पहुँचाएँ तो ज़रूर इस बहन की जो है मदद करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है इसको कबूल करेंगे। और ज़रूर आप जो है अपनी बहन की जितनी भी वीडियोस हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा फरमाइश पे हर मुश्किल का हल, हर परेशानी का हल, हर किस्म की तकलीफ दुख परेशानी का हल, कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई दुख हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ को ज़रूर पढ़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है वो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीन माने एक छोटी सी दुआ है ये, ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ लें, फिर मुश्किल चाहे जितनी भी हो, जितनी बड़ी हो, सिर्फ एक बार। इसका तरीका मैं अब आपको बताने लगी हूँ, आपने पढ़ना कैसे है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, बिस्मिल्लाह या अल्लाह शुरू तेरे नाम से, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर अपनी दुआ करें, दुआ जो भी मांगेंगे, ठीक है। देखें अरबी ज़ुबान में भी अल्लाह से अगर दुआ मांगेंगे तो वो भी अरबी ज़ुबान में होगी ना, ठीक है ना। तो इसी तरह हम उर्दू ज़ुबान में भी मांग सकते हैं। तो जो भी आपने परेशानी है, हमारी ज़ुबान जो है उर्दू है, तो हम उर्दू ज़ुबान में भी अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अरबी में ही दुआ मांगेंगे। कई ऐसी बहनें हैं, माएँ हैं, भाई भी हैं ऐसे जिनको अरबी नहीं आती, तो वो दुआएं याद करें और फिर दुआ मांगें, नहीं। अल्लाह पाक तो परिंदों की दुआएं भी सुन लेते हैं, अल्लाह पाक तो हशरात की, छोटी छोटी चूटियों की, कीड़े मकोड़ों की दुआएं सुन लेते हैं। तो ये तो बहुत, मैं कहती हूँ, छोटी चीज़ है, ठीक है। आप उर्दू में भी दुआ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बहन थी, वो मुझे पूछ रही थी, अभी क्या हमें अरबी में दुआ याद करके फिर दुआ मांगनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुआ मांगें, जो भी दुआ मांगनी, दुरूशी पढ़ें, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके सजदे में चले जाएं, एक सेकंड के लिए। बस दुआ मांगने के बाद सजदा ज़रूरी है, सजदा ज़रूर, जहां बैठे हैं तो आप सजदा कर दें, ठीक है। सिर्फ एक बार से, मुश्किल जितनी भी बड़ी हो, दुनिया भर की तमाम मुश्किल कितनी भी ज़्यादा हों, परेशानियाँ हों, फ़ौरन हल, कोई काम ना बनता हो, कोई परेशानी हो, किसी ने किसी के पैसे देने हो, कर्ज लिया हो, बेशक कोई भी मसला हो, घरेलू मसला हो, लड़ाई झगड़े का मसला हो। एक मेरी बहन है, वो डिवोर्स का, तलाक का कह रही थी, वो भी ये वसीफ़ा करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करते सजदे की दी हुई दुआएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी करे। बच्चे ना फरमान हैं, सजदे में जाके एक दफ़ा ये दुआ करें, या अल्लाह पाक मेरा बच्चा फरमा बरदार हो जाए, वो कैसे नहीं होगा। अपना तल्लक अपने रब से कायम करें, वो ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक कहते हैं जो सबको छोड़ के मेरी तरफ रुजू करते हैं ना, तो मैं उनका हूँ, हमेशा याद रखें। तो अल्लाह पाक तो हमारे हैं, तो वजीफे को वजीफे की तरह करें, अमल को अमल की तरह करें। लेकिन एक सवाल आया था, किसी ने पूछा, आप ही वजीफे और अमल में क्या फ़र्क है? मेरी बात सुने, हम चलते फिरते भी तो नमाज पढ़ सकते हैं ना,
फिर नमाज का वक्त मुकर्रर क्यों है? उसी वक्त पे उसी जगह पे बैठ के क्यों की जाती है? मस्जिद ही क्यों बनाई गई? अल्लाह पाक ने, देखें अल्लाह पाक ने कुछ तो सोचा है ना। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती है, मैं कोई मतलब कि कोई इस पे बहस नहीं कर रही, लेकिन देखें इसी तरह हम वज़ाइफ चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन अमल एक ताकत रखता है। वो एक वक्त मुकर्रर पे बैठ के, एक ही जगह बैठ के, उस कुछ असूल होते हैं। आप एक तरफ अमल कर लें, एक तरफ वज़ाइफ कर लें, आप यकीन माने अमल जल्दी कामयाब हो जाएगा। वज़ाइफ भी होते हैं तो बनाउस बिल्ला, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अमल जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो वाकई एक टाइम मुकर्रर करके किए जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तलाक का, घरेलू, कोई बंदिश हो, कोई रिस्क की तंगी हो, कोई भी मसला हो, जादू जिन्नात, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जादू जो है फैल चुका है, अगर उस तरह का मसला है, तावीज़ात का मसला है, या कोई भी तो बनाउज़बिल्ला मसला है, बड़ी से बड़ी परेशानी है, प्लीज़ बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी जितनी भी मुझसे हो सके हेल्प की जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।